भारतीय पौराणिक ग्रंथों में कुब्जा एक ऐसी पात्र है जिसके जन्मांतरों के संबंध में एक बड़ी रोचक तथा आश्चर्यजनक कथा मिलती है। गर्ग संहिता के 11वें अध्याय में राजा बहुलाक्ष की एक कथा आती है। एक बार बहुलाक्ष ने नारद मुनि से कथा सुनने के दौरान उनसे प्रश्न किया कि मुनिवर, उस सैरंद्री कुब्जा ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा दुष्कर्म तप किया था जिसके फलस्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण उस पर रीझ गए, क्योंकि उनकी प्रसन्नता का लेश तो देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है। इस पर देवऋषि नारद जी ने उन्हें बताया कि काफी समय पहले की बात है, त्रेता युग में जब सूर्पनखा ने भगवान राम को पंचवटी में देखा तो उनके देव दुर्लभ रूप को देखकर हृदय से आसक्त होकर मूर्छित सी होने लगी। लेकिन उसने देखा कि राम का स्नेह तो उस पर तनिक भी नहीं हो रहा है, जबकि सूर्पनखा उस समय अत्यंत लावण्यमय बनकर विचर रही थी। उसने ध्यान दिया कि राम उसे देखकर अत्यंत विरक्त एवं निर्वीण से हो रहे थे और उनका एकमात्र स्नेह भगवती सीता जी की तरफ था। इसी डाह द्वेष में जलती हुई वह राक्षसी सूर्पनखा सीता को खाने के लिए उनकी तरफ लपकी, लेकिन लक्ष्मण जी सतर्क थे, उन्होंने भी तत्काल उसके नाक व कान काट डाले। लक्ष्मण जी उसका वध करना चाहते थे, लेकिन भगवान राम ने ऐसा करने से उन्हें मना कर दिया। उन्होंने लक्ष्मण जी से केवल उसे दंड देने को कहा। फलस्वरूप लक्ष्मण जी ने उस राक्षसी की नाक व कान काट दिए। अपने अपमान से बिफरी हुई क्रोधाग्नि में जलती हुई वह राक्षसी अपने भाई रावण के पास आई और उसने रावण से सीता के अपहरण की प्रार्थना की। जब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया तो एक बार पुनः वह राम लक्ष्मण के वन में अकेले पाकर उनसे विवाह करने के लिए प्रार्थना लेकर गई, पर इस बार भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। अब वह पूरी तरह से निराश हो गई थी। अंत में रावण मार डाला गया और सीता विरहित राम भी बीच में जब उस पर न रीझे तो हताश व निराश होकर वह पुष्कर क्षेत्र में निराहार रहकर भगवान शिव के रूप का ध्यान करती हुई तपस्या करने लगी। अंत में जब प्रभु ने दर्शन देकर उससे वर मांगने को कहा तो उसने राम को ही पति रूप में वरण करने की कामना की। इस पर भगवान शंकर ने उन्हें भविष्य यानी द्वापर युग में कृष्ण रूप से उन्हें प्राप्त करने का उसे वर दे दिया। वही सूर्पनखा द्वापर में चलकर कुब्जा हुई। इच्छा अनुसार रूप बदलने का सामर्थ्य रखने वाली वह सूर्पनखा नाम की राक्षसी ही मथुरा में कुब्जा के रूप में जन्मी और देवाधिदेव महादेव के वरदान से ही वह कृष्ण की प्यारी बनी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे अवगत कराइएगा। साथ ही आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे इसके लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।